हाय, दिस इज अदिति अग्रवाल फ्रॉम जयपुर. ये इनके फादर सुनील अग्रवाल फ्रॉम जयपुर. अदिति, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. हाय, मेरा नाम अदिति है. मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से. और मेरे को तवे के बारे में, मतलब हम लोग ने गूगल पे सर्च किया था, फिर हमें विपुल भैया का नंबर मिला. पापा से काफ़ी 3-4 महीने से टच में है वो. अभी हमको यूनिवर्सिटी आए हुए 10 दिन हो गए हैं. और हॉस्टल का, यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट, मतलब यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है और मतलब काफ़ी अच्छा है सारा सब कुछ. हॉस्टल भी हमें काफ़ी कोजी मिला है. हॉस्टल नंबर 3 है मेरा हॉस्टल. और मतलब अभी हमारी क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई हैं, हम 2-3 दिन ही गए थे. बट हाँ, मुझे लगता है पढ़ाई का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है यहाँ पर. अदिति, आपको इतने दिन हो चुके हैं यहाँ पे, किसी भी टाइप का रैगिंग रेसिज्म फील हुआ आपको? नहीं नहीं, सीनियर्स काफ़ी कोऑपरेटिंग है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिंग. मतलब फर्स्ट डे हमारे सीनियर रात को, मतलब जो हॉस्टल हेड है, सिक्स्थ ईयर सीनियर है वो, आई गेस दीपक भैया, वो मतलब उस दिन भी डॉक करके हमसे पूछा था कि अगर आप लोग को भूख लगी है, अगर आप लोग का जो खाना आया था उससे आपका पेट नहीं भरा, तो वो हमें आधी रात को जैम दे के गए थे कि आप लोग मतलब भूखे मत सो. और सिटी की सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है. मतलब हम लोग अभी भी, मैं अपना देखो कार्ड लेके घूम रही हूँ अभी भी पॉकेट में, कि उसके बिना ना तो हम एंट्री मिलता है, ना हम बाहर जा सकते हैं. हमें हॉस्टल वहाँ स्टार्टिंग में, जब हमारे पास वो कार्ड हमारे बने नहीं थे प्रॉपरली, तो हम लोग को एक टेम्प्ररी स्लिप मिला था. अभी हमारा कार्ड इशू हो गया है ऐसा. हमारा कॉलेज के अंदर भी हम इसी से हमारा एंट्री होता है, और हॉस्टल में भी इसी से एंट्री होता है. इसके बिना हम लोग को एंट्री नहीं है. पापा आए हैं मेरे साथ में, पर वो मुझसे मिल नहीं पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको कार्ड नहीं मिला है यहाँ पे, वो एंटर नहीं जा सकते. मैं इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे भी जब एंट्री नहीं मिल रही, तो किसी भी असामाजिक तत्व को तो अंदर घुसने दिया ही नहीं जा सकता. और बहुत स्ट्रिक्टनेस होना हमारे लिए बड़ा कंफर्ट है. एज ए पेरेंट्स, जब मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी का, मैंने यहाँ कॉलेज चुना, तो कॉलेज और यहाँ के हॉस्टल को लेके मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ. मुझे आज 10 दिन हो गए यहाँ आए हुए. मैंने यहाँ एक एक चीज़ को वॉच किया है, कॉलेज को, यहाँ के स्टाफ को, सीनियर्स से बात की है मैंने. मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, एज ए मैंने अपनी डॉटर को भेजा है, तो वो बिल्कुल सेफ हैंड्स है. भैया, जैसे राजस्थान में बहुत सारे एजेंट कंसल्टेंट बैठे हैं, आपने तो बहुत सारों से बात भी करी थी. हाँ, तो राजस्थान से दिल्ली, हमारा ऑफिस दिल्ली में, तो उसके लिए आपको कोई डाउट आया हो किसी भी चीज़ को लेकर? नहीं, देखो ऐसा एक बार को लगता है कि भाई हाँ ठीक है, हम जयपुर में रहते हैं, तो हम जयपुर के किसी एजेंट से करें. लेकिन मैंने ये देखा कि जो भी डायरेक्ट कंसल्टेंट हो, उन्हीं से बात करनी चाहिए. जो मैंने स्टडी किया था, मैंने आपका लेटर देखा तवेर से, आप डायरेक्ट कंसल्टेंट थे. तो जब कॉलेज में आप जब डायरेक्ट कंसल्टेंट हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, और सारा काम स्मूथली होता है. कोई चिटिंगबाजी नहीं होती, जिस तरह से बीच में फ्रॉड होते हैं, या बच्चों के साथ में जो परेशानी होती है, फीस में धांधलीबाजी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है. और ना आपके साथ ऐसा होगा. तो आप सेटिस्फाइड हो? 100% सेटिस्फाइड. थम्स अप है? थम्स अप, थम्स अप, बिग थम्स अप.